सोना दिल्ली से हमारे साथ, स्वागत है आपका। मैम हाँ जी नमस्कार, बताइए। नमस्कार मैम। मैम मेरे सासू माँ के छाले होते हैं छाले होते हैं, हमेशा। हाँ मैम हमेशा ही रहते हैं छाले उनके मुंह में, कभी भी ठीक नहीं होते हैं मतलब खाने के बाद हो जाते हैं या फिर पहले से ही मैम। रहते हैं? छाले तो छाले से ही है मैम उनके, मतलब छाले ठीक ही नहीं होते हैं। अच्छा, हम बता देता हूँ आपको एक ऐसा नुस्खा जो उनके छाले अच्छे हो जाए, और बनाना आपको है। एक गिलास रोज़ाना आपको गाजर का जूस उनको पिलाना है, आधा ग्राम गौंद मोरिंगा डालकर रोज़ एक गिलास दिया करिए, और देना पड़ेगा 2-3 महीने। फ़ायदा जल्दी भी हो जाए तो 2-3 महीने तक दीजिए, ताकि उनके जिस्म में जो कमी है वो पूरी हो सके। जी। अगले कॉलर हैं हरीश कुमार हमारे साथ, स्वागत है हरीश जी। नमस्कार जी, जी नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं पंजाब अमृतसर से कर रहा हूँ जी। ठीक है, सवाल करिए अपना। मैं पूछना चाहता हूँ, आप जो बोलते हैं पानी में मीठा सोडा डालकर पीना चाहिए, उसके क्या फायदे हैं और कब तक पीना चाहिए आदमी को? क्या हमेशा पी सकते हैं आदमी? ठीक है। हाँ, पानी में नहीं, पानी में पी सकते हैं, लेकिन उसकी जो क्वांटिटी है वो आप समझ लीजिए कि एक बार ले सकते हैं या 2 बार। आधी चुटकी, आधी चुटकी का मतलब होता है कि 1 ग्राम का 1/10। ये पूरी चुटकी हुई, इसे ऐसे खड़ी कर दो तो आधी हो गई। 1 ग्राम का 1/10 आप दिन में 2 बार ले सकते हैं। इससे ज़्यादा लेने पर यही दवा नहीं बल्कि बहुत सारी चीज़ें, यानी आपको कोई भी चीज़ नुकसान कर सकती है। जितनी एक जानकार आदमी उसकी मकदार बताता है, क्वांटिटी बताता है, उस हिसाब से लेंगे तो कभी नुकसान नहीं होगा। और ये आप ले सकते हैं हमेशा भी, जितनी मैं बता रहा हूँ। और लेकिन ज़रूरत में लेनी चाहिए, वरना ज़्यादा मकदार लेने से नुकसान भी हो सकता है। तो बिल्कुल दर्शकों, देखिए ध्यान तो आपको रखना होगा ना कि कितने ग्राम आपको कौन सा नुस्खा सेवन करना है, कितने ग्राम आपको बनाना है, कैसे आप लोगों को बनाना है। कोई भी बात अगर आप लोग सुनने से छूट जाते हैं तो दिक्कत परेशानी हो सकती है, क्योंकि उस नुस्खे का आपको लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए कॉपी पेन लेके ज़रूर बैठिए, या फिर अगर आप लोग भूल जाते हैं कोई भी बात तो हेल्पलाइन नंबर पर आप तुरंत कॉल कीजिए। 24 आवर्स हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स की टीम आप लोगों की सेवा के लिए तत्पर है। बस आप लोगों को प्रयास ही तो करना है, कोशिश ही तो करनी है, क्या पता आपकी कोशिश कामयाब हो जाए। तो दर्शकों, आप लोग भी लाइव कार्यक्रम में बात कर सकते हैं, हकीम साहब से जुड़ सकते हैं उनसे, और कोई भी रोग संबंधी अपना प्रश्न कर सकते हैं। आइए बात कर लेते हैं अगले कॉलर से। जी स्वागत है विनोद जी आपका। नमस्कार मैडम, दिल्ली जी नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं? से। ठीक है, सवाल करिए। मैडम ऐसा एम्बुलेंस में बेटे के बारे में पूछना है। ठीक है, एक्चुअली मैं क्या है कि अभी 1-1.5 महीने पहले जो है मेरे बेटे को जो है पेट की प्रॉब्लम हो गई थी, तो उसको जो है मतलब कि हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ा था 10 दिन के लिए। तो उसको जो है डॉक्टरों ने बताया, सीटी स्कैन भी हुआ था, डॉक्टरों ने उसे बताया कि पेट की टीवी है। अब वो क्या है, उसकी टीवी की दवाई चल रही है, लेकिन क्या होता है कि पेट में एकदम से दर्द उठता है बहुत तेज। अब मुझे जो है ना इमरजेंसी में लगवा के लाना पड़ता है, और एकदम से दर्द होता है और एकदम से धीरे धीरे बंद हो जाता है। तो उसी के लिए मुझे अकीम साहब से पूछना था। कितनी उम्र है बच्चे की? जी 20 साल की। ठीक है। अच्छा देखिए, सबसे अच्छा टीबी का इलाज वही लोग कर रहे हैं जिनसे आप करा रहे हैं, लेकिन मैं एक घरेलू चीज़ बता रहा हूँ, अगर आप वो भी उनको दें तो और ज़्यादा जल्दी और बेहतर इलाज हो सकता है। देखिए अभी तो वो नहीं आती, 3-4 महीने बाद आएगी शायद। पत्थर बेल इन्हें खिलाया करें, जब ताज़ी आए तो ताज़ी खिलाएं और पानी खूब पिलाएं। अभी तो वो नहीं है, तो उसकी जगह पर उसका मुरब्बा मिलता है, बेल पत्थर का मुरब्बा। बेल पत्थर आप समझ ही गए होंगे कि इंग्लिश में कॉवेट कहते हैं, एक खोपड़ी नुमा फल है जो बड़ी मुश्किल से टूटता है, अंदर से पीला पीला उस जायकेदार एक हलवा सा निकलता है। तो ये बेल पत्थर खिलाएं तो उसके बीज भी खिला दें उनको। अक्सर लोग बीज बाहर फेंक देते हैं, वो बेल पत्थर खाते खाते हैं। बेल पत्थर पे जो ये बीज पे जो एक लुआब होता है, एक तरल पदार्थ होता है, ये बड़ा कीमती होता है, किसी और चीज़ में ये है ही नहीं।
तो बेल पत्थर का मुरब्बा रोज़ाना आप एक कतला या दो कतले सुबह और शाम खिलाया करें पानी के साथ। वो दुआ करें, मैं भी दुआ करता हूँ कि बच्चे को आसानी हो जाए। जी आइए बात कर लेते हैं अगले कॉलर से। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी, नाम बताइए, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं परमजीत बात कर रहा हूँ। जी परमजीत। हकीम साहब से बात? जी परमजीत जी बताइए, क्या सवाल है? नमस्कार जी। आदाब परमजीत जी। हकीम साहब, मैं आपको सिल्की के बारे में पूछना था। मैंने मंगाया था, तो मैं किस तरीके से इसको लेना है? जैतून का सिरका। क्या क्या रोग है आपको? मेरे ना पेट में काफी ज्यादा परेशानी थी, डाइजेस्ट सिस्टम की लीवर की दिक्कत थी, और मतलब कमजोरी भी लगती थी, खाना नहीं खाया जा रहा था उसकी वजह से। तो कई जगह मैंने देखा आप वो सिरका, बहुत सारे नुस्खो में आपने ऐड किया, तो मैंने वो सिरका मंगवा लिया बहुत सारा। किस किस चीज के लिए अलग अलग तरीके से लेना है, या एक ही तरीके से ले लूं सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, जो जो चीज के लिए आप बताते हैं इसका? ठीक है। हाँ देखिए, सिरके बहुत तरह के आते हैं, लेकिन ये जो सिरका है ये ज़रा मुश्किल से मिलता है, इसलिए हो सकता है आपको परेशानी हुई हो। और इसको अगर अगर आपको डायबिटीज़ है तो इसे आप 3 चम्मच रात को पिए पानी में मिलाकर, छोटे चाय के चम्मच, तो डायबिटीज़ एक जगह पर कायम रहती है और वो उसको बढ़ने नहीं देता। इसके अलावा जो फ़ायदा होता है कि जो आप डायबिटीज़ के लिए दवाएं ले रहे हैं और लेनी पड़ेंगी ज़िंदगी भर, और जो दूसरी दवाएं आपकी चल रही हैं उनके नुकसानात को ही रोक लेती है, और क्योंकि ये लीवर के लिए बहुत अच्छी है, तो हमें जो दूसरी दवाएँ खानी पड़ती हैं जिन लोगों को ज़िंदगी भर, तो उनका लीवर और किडनी इफ़ेक्टेड होती है और ये उसको नहीं होने देता। पेट के लिए बहुत अच्छा है, पेट के सिस्टम के लिए, पेट का निज़ाम ठीक करता है, पेशाब का निज़ाम, इन्फेक्शंस के लिए बहुत अच्छा है। तो अगर आपको ये है कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है तो ये कोलेस्ट्रॉल का दुश्मन है। अगर आपका दिल के वाल चर्बी से भर गए, जिसे हार्ट ब्लॉकेज कहते हैं, तो ये उसका दुश्मन है। अगर दिमाग में आपको स्ट्रोक आया है और पैरालिसिस हो गया है, तो ये उसके लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा सिरका, लेकिन मुश्किल से मिलता है। इसकी सबसे बड़ी खराबी यही है। जी नेक्स्ट कॉलर है बुलंदशहर से, मंजू हमारे साथ, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी मंजू जी। जी नमस्कार। नमस्ते मैम, मेरे को अपनी बेटी के बारे में बात करनी थी। जी बोलिए। हाँ मैम, मेरी बेटी 20 साल की है, उसके बाल बाइट बहुत है। ठीक है। नजला वगैरह रहता है मंजू? क्या नजला रहता है बच्ची को? नहीं नजला तो फिलहाल तो है नहीं, मतलब जो अब तो है नहीं सर। ठीक है, और कुछ कहना हो तो बता दीजिए। मैं अपने बारे में बात करना चाह रही थी हकीम साहब। मेरा वजन थोड़ा बढ़ गया है, 5-7 किलो एक साथ बढ़ गया था। और मतलब एक्सरसाइज योगा वगैरह कर रही हूँ, लेकिन कम नहीं हो रहा। खाने पे भी ऑयली चीजें नहीं खा रही, 5-7 मतलब 14-15 ग्लास पानी पीती हूँ, खाना ही बहुत कम खाती हूँ। अच्छा आप ये बताइए, बुलंदशहर में कहाँ से हैं आप? मेरे हम वतन हैं। थैंक यू। मैं बुगरासी से, बुगरासी से। अच्छा, बुगरासी सियाने के पास। और ये सियाने की है, वहाँ पे बरौली। ये जो त्यागी जी हैं ये सियाने के हैं, आप तो बहुत करीबी हैं। बहरहाल और कुछ कहना हो तो बता दीजिए, आज सबसे लंबी लंबी बातें हो रही है। अच्छा देखिए, बच्ची के लिए माजून आर केयर रोज़ाना 1 चम्मच या 2 बार 2 चम्मच सुबह निहार में और रात को सोते समय दें, तो बच्ची को बहुत फ़ायदा मुमकिन है। और आपके लिए जो आप 12-14 गिलास पानी पीती हैं, अगर ये गर्म करके पीने लगें, गर्म ऐसा है जैसे चाय की तरह, चाय गर्म गर्म होती है ना, एक साथ नहीं पी सकते, चुस्कियाँ लेके पीते हैं, और ऐसे गर्म पानी पीने लगें तो वज़न ज़रूर कम होगा। अपने खाने में मैंने देखा कि जो महिलाएं हैं वो इतनी सी अदरक डालते हैं, बगरासी वाले तो बहुत ही कंजूस हैं,
तो मैं जाके उन पर नाराज़ होता हूँ कि इतनी अदरक डालो और इतना ही लहसुन डालो, तो अगर ये डालने लगे तो आपकी चर्बी पिघलने लगेगी। ज़ीरा भी ज़्यादा इस्तेमाल करें, 1 घंटा पैदल ज़रूर चलें, धूप में चलने लायक है तो चलें, नहीं तो धूप में बैठ जाएं खाली, इससे भी वज़न कम होता है। गर्म पानी बहुत अच्छा इलाज है, वरना आपको कैप्सूल एफ केयर लेना पड़ेगा। एफ केयर मतलब फैट केयर, ये भी लेने से हमारा वज़न कम होता है। मैं चाहता हूँ कि आप घरेलू तौर पर अपना वज़न कम करें। जी, अगले कॉलर हैं एमपी से राम प्रकाश हमारे साथ, स्वागत है आपका। हेलो, हाँ बोलो। हाँ जी राम प्रकाश जी, सवाल करिए अपना। सर जी मेरा मतलब शुगर की शिकायत है। ठीक है, और कोई दिक्कत? शुगर की समस्या और कोई नहीं। एज बताइए। एज कितनी है राम जी? मेरी एज है 46 वर्ष। अच्छा देखिए, शुगर का रोग तो लग गया और अब आपको सेहतमंद ज़िंदगी गुजारनी ज़रूरी है। शुगर वाले को 1 घंटा पैदल चलना चाहिए, 5 बार गर्म पानी पीना चाहिए और खाना जितना खाते हैं उससे आधा कर देना चाहिए, चाहे फिर 2-3 घंटे बाद फिर खा लें। जैसे 4 रोटी खाते हैं तो 2 रोटी खाएं, चाहे 2-3 घंटे बाद फिर 2 रोटी खा लें, तो आपको नुकसान नहीं होगा, शुगर बढ़ेगी नहीं। और जो दवाइयाँ खाते हैं वो खाते रहें, और आपको दवाइयाँ नुकसान ना दें और आपकी शुगर एक जगह पर स्थिर रहे, तो आप जैतून का सिरका 3 चम्मच रोज़ाना रात को पानी में मिलाकर पी सकते हैं, इससे आपको बहुत फ़ायदा मुमकिन है। बिल्कुल हकीम साहब, एक कॉलर जो हमारे साथ जुड़ी थी, उन्होंने अपने बच्ची के लिए पूछा था कि उनकी बच्ची की उम्र तो बहुत कम थी लेकिन सफ़ेद बाल अभी से ही उसके शुरू हो गए थे। एक उम्र में जाके तो हम सफ़ेद बाल देखा करते थे, लेकिन अब तो ना जाने कितने ऐसे लोग हैं जिनकी छोटी छोटी उम्र में ही सफ़ेद बाल होने लगे हैं, कारण क्या है? देखिए, ख़राब किस्म का प्रोटीन इस्तेमाल करते हैं बच्चे आजकल, बाहर से जो चीज़ें खाते हैं इसकी भी वजह हो सकती है। एक नज़ले की वजह होती है जिससे उन्होंने इनकार कर दिया जी। तो फिर मैंने इनको एक ऐसी दवा बताई जो इम्यूनिटी बढ़ाती है, और अच्छा इम्यूनिटी जिसकी स्ट्रांग होती है उसकी हर चीज़ लेवल पे आने लगती है, तो इम्यूनिटी स्ट्रांग करने की मैंने इनको दवा बताई है, और वो अगर 4-5 महीने लगातार लें तो वो बच्ची को फ़ायदा मुमकिन है। तो दर्शकों, अगर आप लोगों के बाल सफ़ेद होने लगे हैं या फिर गंजेपन का आप शिकार होने वाले हैं, या फिर आपको लगता है कि गुच्छे के गुच्छे हमारे बाल उतर रहे हैं, आप लोगों को किडनी की प्रॉब्लम है, लिवर की प्रॉब्लम है, या फिर आप लोगों को जोड़ों में दर्द है, बहुत सारी ऐसी परेशानियां होती हैं जिससे व्यक्ति जूझ रहा होता है, परेशान हो चुका होता है, ट्रीटमेंट ही ट्रीटमेंट करा चुका होता है, तो उन सभी से कहना चाहूंगी कि एक बार आप लोग हमसे जुड़िए, क्योंकि लाइव आप लोग हकीम साहब से बात कर सकते हैं, नुस्खे आप लोग ऐसे जान सकते हैं जो घर बैठे बैठे आप बना सकते हैं। आइए इसी के साथ बात कर लेते हैं कुछ और कॉलर से। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। अंजू? हाँ जी, हाँ जी, जलंधर तो बोल। जी जी, सवाल करिए अपना। मेरे ब्रदर हॉस्पिटल ही गए ने, उन्होंने टीवी की शिकायत हुई है। टीवी की शिकायत है? हाँ जी, वो बासुरी वाली टीवी हुई है। कौन सी वाली? बासुरी वाली। बासुरी तक आ दिता है, उन्होंने लता दोने है हुई है, यहाँ सुन हुई है, यहाँ इलाज हुआ। ठीक है ठीक है, सुन हो जाता है। दिमाग की टीबी है शायद जी। अच्छा देखिए, टीबी का सबसे अच्छा इलाज एलोपैथ में है, जो इलाज वो ले रहे हैं वही लेते रहे, और साथ में आप आयुर्वेदिक या यूनानी दवाएं इसलिए ले सकते हैं कि टीबी की दवाओं में होता क्या है कि वो ऐसी दवाएं होती हैं जिससे आदमी को बहुत ज़्यादा ताकत की ज़रूरत होती है, और अक्सर डॉक्टर बताते हैं कि अच्छा खाओ, टीवी वाले को कहते हैं कि सूप पियो और अंडे खाओ और सब ताकतवर चीज़ें बताते हैं, तो कोई यूनानी की ताकतवर दवा वो साथ में लें तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। दूध पीने को कहते हैं और इसका सूप पीने को कहते हैं, मीट का सूप पीने को कहते हैं, बकरे का ख़ास तौर पर, तो वही इलाज कराइए, और चाहे तो साथ में कोई यूनानी दवा ले सकते हैं जो बहुत ताकतवर हो, ताकि उनको कोई दवाओं के नुकसान से रोका जा सके। जी।